वर्ड्स से मिलके बनते हैं सेंटेंसेस पूरी पूरी है। और वही स्टोरी कैसे शानदार तरीके से बनाई जाती है डॉक्टर अमार और आज है साइंटिफिक राइटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम का डे सेवन लेट्स जम्प टू ये छह माह का प्रोग्राम है रजिस्ट्रेशन के लिए, लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आज डे सेवन है इसका और आज हम सीखने वाले हैं पैराग्राफ स्ट्रक्चर पैराग्राफ किस तरीके से डिजाइन होता है और उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है सबसे पहली चीज ये है कि हम पैराग्राफ को किस तरीके से डिजाइन करते हैं उसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज होते हैं हर एक सेंटेंस जो है वो एक आइडिया होता है या इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लॉजेस को मिला के बनता है जिसे हम सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कम्पलेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी देखा था अब उसको हम जोड़ते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं कॉन्टीन्यूटी उन आइडियाज की मेंटेन रखते हैं कि यानी हर आइडिया जो है वो पिछले आइडिया के साथ लिंक हो और वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लासेस मिलके हमारे पूरी स्टोरी को तश्ल दें एंड वी एम्फसाइज ऑन इंपॉर्टेंट आइडियाज यानी कि आपका एम्फोसिस होना चाहिए इंपॉर्टेंट आइडियाज के ऊपर जो नीडलेस हैं उन्हें हमने निकाल देना सो so, किस तरीके से हम इस पर काम करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज की जब भी आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं खासतौर पे पैराग्राफ स्ट्रक्चर को तो आपने ये बर्गर को अपने माइंड में रखना है खाने के लिए नहीं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऑब्वियसली अगर आप खा भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है बट इस बर्गर को याद रखिएगा अब सबसे पहले यहां पे सबसे ऊपर जो पहला सेंटेंस होता है यानी कि ये पैराग्राफ का स्टार्ट है और उस सेंटेंस को हम बोलते हैं टॉपिक सेंटेंस यानी कि आपके हर पैराग्राफ के स्टार्ट के अंदर टॉपिक के सेंटेंसेस होने चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंसेस होने चाहिए ठीक है इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के अंदर जब वो टॉपिक सेंटेंस यानी कि उस पैराग्राफ के बारे में लिखते हैं कि ये पैराग्राफ किस बारे में है देन यू हैव टू राइट अबाउट सपोर्टिंग सेंटेंसिस आपने फिर सपोर्टिंग सेंटेंस लिखते होते हैं कि ये जो टॉपिक सेंटेंस है इसको ये वाले सेंटेंसेज सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है यानी कि पहला सेंटेंस या पहले दो तीन सेंटेंस आपके टॉपिक के होंगे फिर आपके आ जाएंगे सपोर्टिंग सेंटेंस इज अ बिग पोर्शन और उसके बाद छोटा सा एट द एंड होता है आपका कंक्लूडिंग सेंटेंसेस का तो ये तीन टाइप के सेंटेंसेस मिलके आपका एक पैराग्राफ बनाते हैं और पैराग्राफ बनाने के लिए इस बर्गर को याद रखिएगा पैराग्राफ स्ट्रक्चर के लिए अब इसमें थोड़ी सी और गुफ्तगु करते हैं कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज कर रहे होते हैं तो ये एक पैराग्राफ है जो आपको इसकी अच्छे तरीके से दलील दे देगा फॉर एग्जाम्पल कैनेडा इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इससे हमें पता चल गया कि हमने कैनेडा के बारे में इस पैराग्राफ में बात करनी है और उसके बेस्ट होने की डिफरेंट दलाइल्स देखने हैं ठीक है कैनेडा इज द वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड ये हो गया इसका टॉपिक सेंटेंस देन फर्स्ट कैनेडा हैज एन एक्सेलेंट हेल्थ केयर सिस्टम ऑल कैनेडियंस टू Medical services at a reasonable price. Second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well-trained teachers and are encouraged to continue studying at university. Finally, Canada cities Canada cities are clean and efficiently managed, and they have many parks and a lot of space for people to live. Hai? Ab se, first se leke, Finally, ye usne teen विथ शॉर्ट सेंटेंसिस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसिस इन तीन दलायल जो है यह बेसिकली पहले सेंटेंस की स्पोर्ट के अंदर है कि कैनेडा बेस्ट कंट्री है अब यह तीन दलाइल क्या बता रहे हैं जो हमारा मिडिल पोर्शन था स्पोर्टिंग स्टेटमेंट का ये ये बता रहे हैं कि कैनेडा क्यों एक अच्छा कंट्री है रहने के लिए ठीक है फिर एट दी एंड क्या है एज ए रिजल्ट कैनेडा इज डिजायरेबल प्लेस टू लिव अब अगर आप गौर करें बर्गर पे तो यहां पर टॉपिक सेंटेंस हमने देखा कि कैनेडा जो है वो दुनिया का बेहतरीन कंट्री है फिर उसकी सपोर्टिंग सेंटेंसेस देखे जो दलाइल दे रहे हैं और उनकी लिस्टिंग की हुई है बकायदा फर्स्ट सेकंड एंड फाइनली करके फिर हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस आ रहा है सो so इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी एक पैराग्राफ को देखते हैं या पढ़ते हैं और अगर वो पैराग्राफ एक अच्छे तरीके से मेनटेन किया हुआ हो तो वो उसका कनेक्शन बनता है पहली चीज़ उसमें ट्रांजिशन वर्ड्स हैं यानी कि फर्स्ट सेकेंड फाइनली और फिर हमारे पास एज अ रिजल्ट आ रहा है एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स इन साइड दिस पैराग्राफ दैट मेक्स दिस पैराग्राफ अ काइंड ऑफ नियर टू परफेक्ट

वीडियो को पॉज कर ले और यह काम कर ले होपफुली आपने पैराग्राफ कर दिया होगा अब आगे देखते हैं सेकंड पार्ट जो होता है होता है है स्ट्रक्चर का वो ऑफ आइडियाज अब आपने इस पैराग्राफ में देखा कि सिर्फ और सिर्फ पोर्शन नहीं तीन किस्म के बल्कि कॉन्टिन्यूटी भी आइडियाज की ठीक है अब कॉन्टिन्यूटी कैसे बनाई जाती है कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको रिपीट करना पड़ता है की टर्म्स को कि अच्छा कंट्री अच्छा अच्छा है अच्छा कंट्री है अच्छा कंट्री है अच्छी 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 कौन कौन से उसके प्रोज हैं वो आ गए रिपीटिंग की टर्म्स सेम नहीं उनके सिनोनम्स या उनके डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउंस बना के हमने नाउंस या प्रोनाउंस बना के उसको रिपीट करना होता है देन यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं जब एक सेंटेंस से आप दूसरे सेंटेंस में जा रहे हैं उससे पहले ट्रांजिशन वर्ड्स आते हैं से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर गौर करें फर्स्ट जो है पिछले सेंटेंस से अगले में ट्रांजिशन है सेकेंड जो है यहां से आगे ट्रांजेशन है एज अ रिजल्ट पिछले और अगले सेंटेंस की ट्रांसेशन है एंड इट्स वेरी स्मूथ हमें पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में क्या बात होगी और जो मैं बात कर रहा था रिपीट करने की टर्म्स को कनाडा यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है यहाँ पे कनाडा आ रहा है यहाँ पे कनेडियंस आ रहा है और यहाँ पे देखें तो कनाडा फिर आ रहा है ठीक है कनाडा फिर आ रहा है सो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे कैनेडा आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस पूरे पैराग्राफ में कितनी दफा कैनेडा यूज हुआ है तो हमारे पास जो की टर्म्स हैं वो मल्टीपल टाइम्स आप रिपीट करते हैं एंड यूज ट्रांजेशन वर्ड्स करते हैं कीप अ कंसिस्टेंट ऑर्डर ऑर्डर की जब हमने बात की वो कंसिस्टेंट होना चाहिए जो हमने पिछले जो है स्लाइड के अंदर भी देखा था जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज़ की बात कर रहे थे एंड देन कीपिंग अ कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमने ये नहीं करना कि यहाँ पे हम कैनेडा के बेस्ट की बात कर रहे हैं और बीच में एंड में हम उसके बारे में गलत बातें लिखना स्टार्ट कर दें या हम पाकिस्तान की बात शुरू कर दें जब कैनेडा की इस पैराग्राफ में बात हो रही है तो कैनेडा की होगी ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन वन कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू then पुटिंग parallel आइडियाज इन parallel forms ठीक है parallel आइडियाज क्या होते हैं कि आप जब भी दो किस्म की parallel सेंटेंसेस या पैरेलल इंडिपेंडेंट क्लॉज को या डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज को रखें उनका लिंक बनना होना चाहिए ठीक है पैरल आइडियाज किस तरीके से बनाए जा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट्स आर टॉट बाय वेल ट्रेन टीचर्स ठीक है स्टूडेंट्स जो हैं वो वेल ट्रेन टीचर्स के साथ यहाँ पे टॉट जो है वो पढ़ रहे हैं एंड आर इन टू कंटिन्यू स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलली जा रहे हैं ठीक है फिर एक और चीज हो सकती है पैरेलल आइडियाज के अंदर आप क्या करें आप कॉमा लगा के डिफरेंट किस्म की चीजों को लिस्ट भी कर सकते हैं ठीक है एंड दैट्स हाउ यू कैन ऑल्सो डू द पैरेलल स्ट्रक्चर एंड पैरेलल आइडियाज इन टू पैरल फॉर्म और फिर अगली चीज क्या है सिग्नलिंग द सब टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ आपको हाईलाइट करना है कि सब टॉपिक क्या है से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट यूज हुआ ना तो ये सब टॉपिक है यानी कि कैनेडा हैज एन एक्सलेंट हेल्थ केयर सिस्टम ये पहला टॉपिक हो गया फिर हमने बताया कि सभी कैनेडियंस को हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है रीजनेबल प्राइस पे सेकंड सब टॉपिक क्या है एजुकेशन थर्ड सब टॉपिक क्या है सिटीज आर क्लीन तो कनाडा के अंदर सब टॉपिक हैं हमारे पास हेल्थ केयर एजुकेशन एंड क्लीनलीनेस ठीक है तो ये तीन चीजें मिलकर बनाती हैं कनाडा को डिजायरेबल प्लेस दैट्स दैट इज व्हाई यू हैव टू एक्चुअली यूज दिस कॉन्टिन्यूटी स्ट्रक्चर रूल्स यानी कि रिपीट करने के टर्म्स ट्रांजिशन वर्ड्स को यूज करें कीपिंग अ कंसिस्टेंट ऑर्डर कीपिंग अ कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू पुटिंग पैरल आइडियाज इन टू द पैरल फॉर्म एंड देन सिग्नलिंग दर सब टॉपिक एंड पैराग्राफ्स यहां तक क्लियर हो गया अब आगे चलते हैं हमारे पास कॉन्टीन्यूटी जो है स्पीकिंग ऑफ रिपीटिंग की टर्म्स फॉर एग्जांपल अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो इम्यून रिस्पॉन्स को इम्यून डिफेंस भी बोला जाता है और डिफेंस रिस्पॉन्स भी बोला जाता है ठीक है सो so, सेम चीजों को आप तीन तरीकों से लिख सकते हैं राइट तो ये इस तरीके से आप रिपीटिंग की टर्म्स को देख सकते हैं फिर अगली चीज आती है जनाब आपके पास ट्रांजिशनल वर्ड्स इन एडिशन फर्द मोर मोर ओवर ऑन द अदर हैंड इन कंट्रास्ट फॉर एग्जांपल फॉर द सेम रीजन सेकेंडली फाइनली फर्स्टली धर्ज ये सारे ट्रांजेशन वर्ड्स हैं और यह इतने ज्यादा ट्रांजेशन वर्ड्स इस वक्त वकेबलरी के अंदर मौजूद हैं इंग्लिश के अंदर अगर आप सभी को यूज करने बैठें तो योर साइंटिफिक राइटिंग का आर्टिकल विल साउंड वेरी गुड अब यहां पर एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि छोटी सी असाइनमेंट आपको देता हूँ यू हैव टू एन लिस्ट ट्रांजेशन वर्ड्स यू मोस्टली यूज इन योर राइटर अभी आपने अपने दिमाग से ब्रेन स्ट्रॉन्ग करवाना है और लिखने हैं वो वाले ट्रांजेशन वर्ड्स जो आप मोस्टली यूज करते हैं ज्यादातर यूज करते हैं प्लीज चैट जीपीडी इधर उधर ना देखिएगा अपने तरीके से बताएं कि कौन से आप यूज करते हैं अपनी नोटबुक्स में भी लिखें अगर आपके पास नोटबुक्स हैं यू नो व्हाट आई मीन और आप फिर बाद में जो एडिशनल मैं आज आपको बताने वाला हूँ ट्रांजिशन वर्ड्स आप उनको भी साथ में लिखिएगा कि देन आई हैव टू यूज ट्रांजिशन वर्ड्स और प्लीज इसको एक मोटे मार्कर के साथ लिख लें ताकि आपको पता हो कि एक पैराग्राफ में एटलीस्ट मैंने दो से तीन ट्रांजिशन वर्ड्स यूज करने हैं जैसे आप ट्रांजिशन वर्ड्स की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास ट्रांजिशन वर्ड्स मल्टीपल किस्म के हैं फॉर एग्जाम्पल एम्फोसाइज करना है example, किसी चीज पे तो ये वाले ट्रांजिशन वर्ड्स हैं एड करना किसी चीज को या एडिशन करनी है तो ये वाले हैं किसी का कंट्रास्ट बताना है यानी कि एक पैराग्राफ एक अच्छे तरीके से शो हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा तो आप ये यूज कर सकते हैं और ऑर्डर के लिए ये वाला कर सकते हैं आप अगर गूगल इमेजेस पर जाकर ट्रांजिशन वर्ड्स लिखेंगे तो आपके पास इस तरह की काफी डायग्राम्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी देन यू कैन एक्चुअली प्रिंट दैम एंड कीप इट विद यू जैसे एम्फोसाइज करना मैं किसी चीज पर बहुत ज्यादा एम्फोस कर रहा हूँ अनडाउेटली डाउटली एंड अनकोस्चनेबली ऑब्वियसली पर्टिकुलरली इन पर्टिकुलर स्पेशली क्लियरली इंपॉर्टेंटली ूटली डेफिनेटली विदाउट अडॉप्ट इन डेट एंड इट शुड बी नोटेड और कंट्रास्ट करना है अनलाइक एडिशन करनी है तो मोर अवर फर्दर मोर ऑल्सो टू एज वेल एज दैट बिस तो ये हम सारी चीजें ट्रांसलेक्शन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं इन साइड आर पैराग्राफ ट्रांजेशन वर्ड्स अगर आप बिगनिंग के लिए लिखें तो ये वाले कुछ ट्रांजेशन वर्ड हैं जो टोटली totally बिगनिंग में आते हैं जैसे कोई सेंटेंस स्टार्ट करना है फर्स्ट से स्टार्ट करें एज वेल एज से करेंट डिसाइड एज अ रूल नियरली बियलीस ट्रांजेशन वर्ड्स आर देर अगर आप ट्रांजेशन वर्ड्स इन द मिडिल पैराग्राफ यूज करने हैं तो देयर फॉर आएगा दैट इज़ इन शॉर्ट एट द सेम टाइम पर्टिकुलरली इंक्लूडिंग दट इज़ कॉरपॉन्डिंग मोर अवर इनिशन से अलॉन्ग विद आफ्टर लेटर एंड इन फैक्ट पैराग्राफ के लिए अगर आपने लास्ट एट द द एंड ऑफ पैराग्राफ के लिए देखने तो इन ब्रीफ द द फाइनल लास्ट द दर्ड्स अल्टीमेटली टू सम अप टू कंक्लूड क्लियरली लास्ट ऑफ द ऑल अनडाउली ऑन द होल इन फैक्ट द सिंस देंस तो ये जो है ट्रांजिशन वर्ड्स ये अगर आपको यूज करने आ गए तो आप एक पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं एंड दैट वाज द सेकंड पार्ट ऑफ आर पैराग्राफ स्ट्रक्चर पहला था ऑर्गेनाइजिंग द आइडियाज

जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं अपने अपनी करना है करने ऑन इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑर्गेनाइजिंग भी हमने देख लिया बर्गर के तरीके से कंटिन्यूटी ऑफ आइडियाज यूजिंग ट्रांजिशन वर्ड्स एंड सम अदर स्टेप्स एज वेल और यहां पे हमने देखना अब ऑन इंपॉर्टेंट की आइडियाज इसके लिए मैंने अपना एक रूल बनाया कि ये छह अंडे हैं ये टूटने नहीं चाहिए ये आपकी पैराग्राफ के स्ट्रक्चर में एम्फोसिस को बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेंगे अगर इनमें से एक भी अंडा टूट गया तो आपका पैराग्राफ खराब हो जाएगा तो इसको मैं बोलता हूं ध्यान करो टूट ना जाए क्या ना टूट जाए अंडे कौन से अंडे ये छह अंडे कौन कौन से लेट्स लुक इन टू दैम कंडेंसिंग और ओमिटिंग लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगेन वही चीज कि आपने लेस इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस या लेस इंपॉर्टेंट इंफॉमेसन को या तो कंडेंस कर लें यानी कि पिछले सेंटेंस के साथ जोड़ लें या उन्हें निकाल ही दें दूसरा है हमारे पास सबॉर्डिनेटिंग लेस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो लेस इंपॉर्टेंट है वो नीचे आए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो स्टार्ट में या बिगिनिंग में आनी चाहिए पैराग्राफ की प्लेसिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन अ पावर पोजिशन जो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे पावर पोजिशन पर यानी कि स्टार्ट में आपने लिखना है लेबलिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप अपने ट्रांजलेशन वर्ड्स को यूज करके लेबल भी करें लेबल क्या होता है कि लोगों को पढ़ते ही पता चल जाए कि ये जो चीज है यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मिसाल में अभी आपको देता हूँ हमने यहाँ पे एम्फोसिस के डिफरेंट ट्रांजलेशन वर्ड्स यूज किए ऑब्वियसली या इन पर्टिकुलर स्पेशली क्लियरली इंपॉर्टेंटली तो ये की वर्ड यूज करके हम लेबल कर सकते हैं अपनी ट्रांसलेशन वर्ड्स को यूज करते हो अपनी पैराग्राफ uh, के डिफरेंट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देन रिपीट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपने करनी है जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको रिपीट करना है बट इन डिफरेंट वे ज्यादा रिपीटेशन भी नहीं करनी लेकिन रिपीट करने का मतलब यह है कि सिम सेंटेंस उठा कर लिखना बट यू हैव टू मेक अ काइंड ऑफ आइडिया एंड देन स्टेटिंग रादर दैन इंप्लाइंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने ये नहीं कहना कि कैनडा है ही बहुत अच्छा बट छठ गल आपने रीजन्स बतानी है स्टेट करना है अकॉर्डिंग टू दैट अकॉर्डिंग टू दैट अकॉर्डिंग टू दैट ये अंडे प्लस पिछले तीन जो रूल्स हमने देखे हैं पैराग्राफ स्ट्रक्चर के अगर आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं ना बिलीव मी जो आपका आइडिया है वो शानदार किस्म का सामने आएगा और अगर आप ये पैराग्राफ स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जितने भी साइंटिफिक कम्युनिकेशन की चीजें होती हैं उनमें एब्सट्रैक्ट या समरी ये दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं तो आप उन दोनों चीजों को मास्टर कर लेंगे एंड यू विल सी अगर आप इन रूल्स को अप्लाई करते हैं इन साइड योर साइंटिफिक या एकेडेमिक राइटिंग बिलीव मी ट्राई करके देख लें एंड सी दिफ्रेंस को उस पर इम्प्लीमेंट करेंड्सेशन और उन रूल्स को बनाने के बाद आपका पैराग्राफार किसम का सामने आएगा और अब आपको समझ आ गई वर्ड च्वाइस सेंटेंस स्ट्रक्चर मैटर करती है फॉर पैराग्राफ ठीक है और पैराग्राफ डिपेंड करता है इन दोनों वर्ड चॉइस एंड और आपका पूरा आर्टिकल डिपेंड करता है आपकी पैराग्राफ स्ट्रक्चर पे यहां तक क्लियर हो गया सही तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे बहुत जल्द अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज